हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सेंट पर। तो आप सभी को पता है कि हम लोग मॉर्निंग में जितने भी एजुकेशन संबंधित न्यूज होता है न्यूज़पेपर में उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग, और देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम लोग और तुरंत चलते हैं हम लोग अपनी न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। और कितनी सारी न्यूज़ हमको डिस्कस करनी है वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। इतनी न्यूज़ को हम लोगों को अभी तुरंत ही डिस्कस करनी है और बड़ी मज़ेदार मज़ेदार आज की न्यूज़ निकली है आपके लिए, तो वेट नहीं करेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। सबसे पहली न्यूज जो है वो बोर्ड पेपर को लेकर है, यानी 10वीं में 2 साल की परफॉर्मेंस पर मिलेंगे अंक। देखो, मैं तीनों बोर्ड के ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। हाई स्कूल जो CBSE बोर्ड होता है उसमें जो है पहली जो है हाई स्कूल को प्रमोट कर दिया गया है और उनको जो है नंबर भी मिलेंगे, जो आपका सारी चीज़ें हैं उस हिसाब से, यानी जो आपने प्री बोर्ड दिया होगा उस आधार पर, जो आपका इंटरनल मार्क्स होगा उस आधार पर उनका जो है 10वीं का पेपर होगा। हाई स्कूल पेपर जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं इनका पेपर के बारे में डिस्कशन 20 मई के बाद में होगा, जैसा कि मैंने परसों की वीडियो में बताया था। और अब जो है एक और बड़ा बोर्ड आ गया है जिसका नाम है CISE बोर्ड। इन्होंने क्या कहा है 10वीं के पेपर को लेकर, कहा है कि काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल एग्जामिनेशंस कक्षा 10 के छात्रों को 2 साल की परफॉर्मेंस के आधार पर औसत अंक देगा। इसके लिए काउंसिल से संबद्ध सभी स्कूलों को इन छात्रों का पिछले 2 साल पर परफॉर्मेंस रिकॉर्ड मांगा गया है। 10वीं बोर्ड के परीक्षार्थियों के नतीजे 20 जून तक आने की संभावना है। तो आपने आपको मैंने CBSE अपडेट करा दिया, यूपी बोर्ड हमने अपडेट करा दिया है, CBSE की हाई स्कूल प्रमोट कर दिया गया है, और वो क्या होगा कि उनकी प्री बोर्ड और इंटरनल मार्क्स के आधार पर उनको दिया जाएगा या उनकी क्लास की परफॉर्मेंस के आधार पर दिया जाएगा। यूपी बोर्ड में हाई स्कूल परीक्षा और इंटरमीडिएट की परीक्षा पर निर्णय जो है 20 मई के बाद में होगा। और जो आपका अगला जो बोर्ड आता है जिसका नाम है CISE, ये जो आपका बोर्ड है ये आपका पढ़े इसके लिए जो है पिछले 2 साल के, अगर आप हाई स्कूल में तो हाई स्कूल और 9th दोनों की परफॉर्मेंस देखी जाएगी, और इसका जो है पूरा जो ब्यौरा है वो उन्होंने मांगा है बोर्ड वालों में। तो उम्मीद करता हूँ ये न्यूज आपके लिए अच्छी रही होगी। दूसरी जो न्यूज है बहुत बड़ी न्यूज ये भी है, हिंदुस्तान पेपर में निकला है कि सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा अब 10 अक्टूबर को होगी, और ये लगभग सारे पेपर में निकला और हर एक संस्करण में निकला है, मेन पृष्ठ पर ही निकला है। लिखा है नई दिल्ली से है न्यूज, संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने COVID-19 की चिंताजनक स्थिति के मद्देनजर जून में होने वाली सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा गुरुवार को स्थगित कर दी है। अब यह परीक्षा 10 अक्टूबर को होगी। आयोग हर साल 3 चरणों प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा व साक्षात्कार में सिविल सेवा की परीक्षा कराता है, जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा समेत कई सेवा के लिए अधिकारी चुने जाते हैं। UPSC ने गुरुवार को बयान में कहा, कोरोना के कारण पैदा हुई परिस्थितियों के मद्देनजर संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2021 स्थगित कर दी है, जो 27 जून 2021 को होने वाली थी। अब यह परीक्षा 10 अक्टूबर 2021 को आयोजित की जाएगी। तो इतनी बड़ी परीक्षा, यानी मुझे नहीं लग रहा इससे बड़ा परीक्षा कोई होता होगा, ठीक है। और ये परीक्षा भी जो है जून में पेपर जो है वो नहीं करा रही है और उस पेपर को टाल दिया है। तो एक न्यूज़ ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रही होगी। और तीसरी जो न्यूज़ है ये तो बड़ी बेहतरीन न्यूज़ है, कोविड काल में स्कूलों की मनमानी, अब देखिए जेब पर भारी पढ़ाई। अब यहाँ पर क्या लिखा है हम देख लेते हैं कि 3 महीने की एक मुश्त फीस जमा करने को भेजा नोटिस, अभिभावकों की गुहार सुनने को कोई अफसर तैयार नहीं। इसमें लिखा कि कोरोना काल में निजी स्कूलों की मनमानी में अभिभावकों के लिए आर्थिक मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। महामारी के समय में भी स्कूल प्रबंधन अभिभावकों से 3 महीने की फीस एकमुश्त वसूल रहे हैं। 3 महीने की फीस नहीं देने पर स्कूल अभिभावकों के पास नाम काटने की नोटिस भेज रहा है। देखो यार, एक बात मैं बताऊँ, इसमें स्कूल वालों की भी कोई गलती नहीं यार। मैंने एक बार वीडियो बनाया भी था, मैं इन लोगों का दर्द समझ सकता हूँ जो निजी स्कूल हैं, प्राइवेट जो स्कूल हैं। मैं मानता हूँ कि जो वहाँ पर जो अभिभावक हैं भाई, दिक्कत उनको उनके पास भी है, वो फीस नहीं जमा कर सकते हैं। और उधर जो हमारे अध्यापक गण हैं उनको भी तो भाई खर्चे की जरूरत होगी, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है, लगभग 2 साल से बंद है प्राइवेट कॉलेज। उन लोगों के यहाँ भी खर्चे होते हैं, उन लोगों के यहाँ बाल बच्चे होते हैं, उन लोगों को भी खाना खाना होता है, वो कहाँ पर जाके चोरी करें, वो कहाँ जाके डकैती करें। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। हम मानते हैं कि चलो ठीक है अभिभावक पैसे ना दें, लेकिन कम से कम जो वित्तविहीन शिक्षक हैं या जो शिक्षक निजी स्कूल में पढ़ाते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो सरकार है उसको तो कुछ ना कुछ करना चाहिए ना। 2 साल से लोग घर पे बैठे हैं जो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, और आप सभी लोगों को पता कितने कॉलेज होते हैं हम लोगों के गांव में, हम लोगों के शहर में जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, उनको रूम का किराया भी देना है, उनको सब कुछ देना है, उनको बिजली का बिल भी देना है, उनको अपने यहाँ पर स्टाफ जो है उनको फीस भी देनी है। वैसे तो फिलहाल बहुत सारे स्कूल वाले नहीं देते हैं अपने सारे स्टाफ को, उनको छुट्टी कर दिए हैं, 2 साल से वो बेरोजगार हैं, लेकिन जहाँ पर लोगों को बुला रहे हैं या जो बेरोजगार हैं कम से कम उनको कुछ ना कुछ पैसे तो दिए जाएँ, ये मेरा मानना है। बाकी आप लोगों की राय है, कमेंट जरूर करिए क्या मैंने गलत कहा या सही कहा है।
अगली जो है बड़ी जो न्यूज निकल के आई है वो 97,000 पदों की जो है वैकेंसी को लेकर है। आपको पता है पिछले 2 दिन से जो है हम लोगों का जो टैग है वो वायरल हो रहा है हमारे यूट्यूब पर, और उसी के आधार पर आज जो है एक बड़े पेपर में निकल के आया है कि 97,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी करने की मांग। अभी जो है ये मांग है, अभी कब तक सही होता है ये बात की बात है। लिखा है प्राथमिक विद्यालयों में खाली 97,000 शिक्षक पदों को भरने के लिए सोशल मीडिया चलाए जा रहे अभियान का युवा मंच ने समर्थन किया है। युवा मंच मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उनसे प्राथमिक विद्यालयों में खाली पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी करने की मांग की है। तो अभी मांग की है, आप देखना यह है कि ये कब तक ये फाइनल हो पाता है। चलिए उसके बाद अगली जो न्यूज है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा को लेकर है कि एनटीए के जवाब के इंतजार में अटका परीक्षा पर निर्णय। आपको बताया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपने कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए एक बहुत बड़ी प्रवेश परीक्षा कराती है। इसके बारे में अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए प्रवेश परीक्षा के आयोजन पर निर्णय लेना मुश्किल हो गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रवेश परीक्षा के आयोजन को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से दिशा निर्देश मांगे थे, लेकिन अब तक वहां से कोई जवाब नहीं आया है। ऐसे में प्रवेश परीक्षा के आयोजन पर निर्णय अटका हुआ है। परीक्षा के आयोजन में जितनी देरी होगी इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए नया सत्र समय से शुरू कर पाना उतना ही मुश्किल होगा। तो जिन लोगों को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना जाए, इस बात जो इंटरमीडिएट वाले बच्चे होते हैं उसके बाद वाले ही लोग यहाँ पर जाएंगे यूजी के लिए, और जो यूजी कर चुके हैं वो पीजी के लिए एंट्रेंस देंगे। तो इसके लिए अभी एनटीए में जो है सारी प्रस्ताव जो है अटकी पड़ी हुई है, अभी इस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है और देखिए कब तक क्या निर्णय हो पाता है, क्योंकि कोविड की वजह से सब कुछ अस्त व्यस्त है। उसके बाद अगली जो परीक्षा है यूपीपीएससी प्री स्थगित होने के बाद मेंस भी तय समय पर होना मुश्किल। तो ये तो बिल्कुल जायज सी बात है, अगर प्री के टाइम टेबल में चेंजेज हुए हैं तो ये तो बिल्कुल 100% श्योर है कि मेंस में जो है दिक्कतें आएंगी, उनका भी टाइम शेड्यूल जो है वो इधर से उधर करना होगा। लिखा है कई परीक्षाएं टलने से पूरा कैलेंडर होगा प्रभावित, आयोग के लिए आगे भी कम नहीं है चुनौतियां। बिल्कुल सही है लिखा है। कोविड-19 के मद्देनजर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अब तक 6 परीक्षाएं स्थगित कर चुका है, लेकिन इसका असर आयोग के पूरे परीक्षा कैलेंडर पर पड़ेगा। प्रारंभिक परीक्षाएं स्थगित हो जाने से आयोग के लिए अब मुख्य परीक्षाओं का आयोजन भी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कर पाना मुश्किल होगा। तो अगर आपके लिए न्यूज इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले सकते हो, बाकी पूरा न्यूज जो है पढ़ने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है। और देखो बहुत सारी न्यूज़ यहाँ पर हो चुकी है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये न्यूज़ बहुत पसंद आई होंगी। जो भी न्यूज़ यहाँ पर निकल के आई है मैंने सारी न्यूज़ को यहाँ पर डिस्कस कर दिया है आज के लिए, ठीक है। तो ये सारी न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकती हैं, चाहे हाई स्कूल का पेपर हो या कोई भी चीज़ हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी लगी होगी न्यूज़। बाकी यूपी बोर्ड के बारे में मैंने पहले भी बताया था, अगर यूपी बोर्ड के बच्चे आप हो तो आपका निर्णय जो है 20 मई के बाद किया जाएगा, चाहे वो आप यूपी बोर्ड के बच्चे हो चाहे आप यूनिवर्सिटी एग्जाम के बच्चे हो, 20 जो आपका मई है उसके बाद में कोविड का जो है कोविड को मॉनिटर किया जाएगा, उसका जायजा लिया जाएगा कि क्या है स्थिति क्या है, उसके आधार पर प्रमोट करना है कि नहीं करना है वो निर्णय लिया जाएगा। तो इतनी ही न्यूज़ थी आज के इस न्यूज़पेपर में, या हम कहें कि आज पूरे न्यूज़पेपर में इतनी न्यूज़ थी। बाकी अगर कोई न्यूज़ बच जाती है तो भी थोड़ी देर बाद हम आपको अपडेट कर देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।